हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर आइंस्टाइन। मेरी क्लास में खुश आमदीद। आज हम ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो चलें एक वीडियो की मदद से सीखते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके पार्ट वन में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन को देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। इसको हम रिकैप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दो रैशनल नंबर्स को जमा करने से रैशनल नंबर ही हासिल होता है। उसके लिए चंद रैशनल नंबर्स को लिख लेते हैं। 1/2, 1/3 और 3/5। तो ये तीन नंबर्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं कि दो रैशनल नंबर्स को जमा करने से रैशनल नंबर ही हासिल होता है। तो चले देखते हैं कि क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं। 1/2 प्लस 1/3 करते हैं। इनका एलसीएम 6 होता है क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स हैं। अब इनको डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से ये हासिल होगा। जब आप इनको ऐड करते हैं तो आपको 5/6 हासिल होता है, जो कि वाज़े तौर पर एक रैशनल नंबर है। तो ये साबित हो गया कि जब हम दो रैशनल नंबर्स लेते हैं तो उनको जमा करने से रैशनल नंबर ही हासिल होता है। अब 1/2 और 3/5 को जमा करके देखते हैं। यहाँ क्योंकि 2 और 5 भी प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए इनका एलसीएम 10 होगा। अब इनको डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से 5 और 6 हासिल होगा और इन दोनों को जमा करने से 11/10 हासिल हो जाएगा, जो कि एक और रैशनल नंबर है। तो हमने दोबारा देखा कि दो रैशनल नंबर्स को जमा करने से रैशनल नंबर ही हासिल होता है। अब उनके तीसरे कॉम्बिनेशन, जो कि 1/3 और 3/5 है, उसको देखते हैं। यहाँ हमारा एलसीएम 15 होगा और इनको डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से 5 और 9 हासिल होगा। 9 जमा 5 = 14 के, इसलिए 14/15 हमारा जवाब होगा, जो कि एक रैशनल नंबर ही है। तो इससे साबित हुआ कि ये हर दफा दुरुस्त होता है। जब आप दो रैशनल नंबर्स को जमा करते हैं तो जवाब एक रैशनल नंबर ही होता है। अब हम अगले ऑपरेशन की जानिब चलते हैं, जो कि सब्ट्रैक्शन है। इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक दो रैशनल नंबर्स को तफरीक करने से एक रैशनल नंबर ही हासिल होता है। ये मिसाल देखते हैं। 1/3 माइनस 3/5, ये दो रैशनल नंबर्स हैं। यहाँ आपको दोबारा एलसीएम में 15 ही हासिल होगा और इनको डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से 5 और 9 हासिल होगा। 5 में से -9 को तफरीक करने से -4 हासिल होता है और हमारा जवाब -4/15 होगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। बेशक इसका जवाब मनफी है, लेकिन फिर भी ये एक रैशनल नंबर ही है क्योंकि रैशनल नंबर्स की तारीफ के मुताबिक P/Q में Q≠0 ना हो और दोनों P और Q इंटीजर्स हों, तो इंटीजर्स मनफी हो सकते हैं। तो -4/15 एक रैशनल नंबर ही है। तो एक और मिसाल देखते हैं। हमारे पास 1/2 मनफी 1/3 है और इनका एलसीएम 6 होगा। इनको डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से 3 और 2 हासिल होगा। उनको हल करने से हमें 1/6 मिलेगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो इस तरह हमने साबित किया कि जब दो रैशनल नंबर्स को तफरीक किया जाए तो जवाब रैशनल नंबर ही हासिल होगा। तो ये ऑपरेशन भी ठीक है। जब दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर भी हमें रैशनल नंबर ही हासिल होगा। मिसाल के तौर पर 1/2 और 1/3 को ज़रब देते हैं। इस तरह के नंबर्स को जब ज़रब देनी हो तो हम न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को हॉरिजॉन्टली ज़रब देते हैं,
तो इसका मतलब 1 × 1 और 2 × 3 और जवाब 1/6 हासिल होगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 1/3 × 3/5। अब इस सूरत में 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 1/5 जवाब हासिल होगा, जो कि एक रैशनल नंबर ही है। तो आपने देखा कि जब दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो रैशनल नंबर ही हासिल होता है। चलें अब रैशनल नंबर्स की तकसीम को देखते हैं और देखते हैं कि हमें क्या हासिल होता है। क्योंकि स्टेटमेंट के मुताबिक दो रैशनल नंबर्स को तकसीम करने से रैशनल नंबर ही हासिल होता है, यहाँ सिर्फ एक शर्त यह है कि आप सिफर से तकसीम नहीं कर सकते। मिसाल को देखते हैं, मान लें कि हम 1/2 को 1/3 से तकसीम करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 1/2 ज़रब अब यहाँ पर ये उलट हो जाएगी, तो ये 1/2 ज़रब 3/1 बन जाएगा। इस तरह करना आपने फ्रैक्शंस के लेक्चर में पढ़ा होगा, तो अब ये इस तरह बन जाएगा जो कि 3/2 के बराबर है और ये भी एक रैशनल नंबर ही है। तो बिल्कुल इसी तरह 1/3 को 3/5 से तकसीम करने को देखते हैं, तो ये 1/3 ज़रब 5/3 बन जाएगा और इसको ऐसे लिख सकते हैं और जवाब 5/9 आएगा, जो कि एक रैशनल नंबर ही है। तो इससे साबित होगा कि रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से तकसीम करने पर रैशनल नंबर ही हासिल होता है। और सिफर की शर्त को देखते हैं, अगर हम किसी नंबर मसलन 5 को सिफर से तकसीम करते हैं तो ये अनडिफाइंड होगा, क्योंकि हम किसी भी नंबर को सिफर से तकसीम नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको रैशनल नंबर्स की बुनियादी अवामिल समझ आ गए होंगे। अपने कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए चंद MCQs को देखते हैं।
Thank you.